भाई जरा शांत करा दो। अभी जैसा हमको पता है कि हरियाणा में जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ में कुछ लोग जो प्रभावित हुए, जिनका देहांत हो गया, जो जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे परिवारों के जो लोग हैं, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, उनको उसकी जो एक राशि, क्लेम राशि जिसको कह सकते हैं या जिसको एक मुआवजा कह सकते हैं, वो हमने हरियाणा में आज बांट दिया है। और उसी क्रम में करनाल ज़िले के ऐसे कुल 6 लोग हैं, उनको यहाँ बुलाया है। उनमें से जो आए हैं उनको 4 लाख रुपए की राशि प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो दी जा रही है। तो सबसे पहले सर बाला राम जी हैं, सर गणपत जी हैं सर ये, और बाहर से जो पीड़ित होते हैं उनको बहुत जल्दी राहत दी गई है। देखिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इसका बहुत बड़ा उपयोग हमको हुआ है, और उस टेक्नोलॉजी के कारण से आज हमारे पास हर परिवार का एक डाटा, परिवार पहचान पत्र का, वो हमारे पास है। और आज वेरीफाई करने में देर नहीं लगती है। किसी भी व्यक्ति का कोई क्लेम होता है, कोई उसको मुआवजा देना होता है, चाहे वो किसी के किसान का भी होता है, तो आज सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई आदमी भरता है, उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं। और सिर्फ वेरीफाई करना होता है और क्या करना होता है, बजाय उसको हम लटका के रखें, वेरीफाई हुआ और तुरंत उसको मुआवजा दे दिया, ये हमारी सरकार का एक इकबाल है, इसको बराबर बनाए रखेंगे। और मैं तो इसके साथ जो और विषय आज आपके सामने रखने हैं कि कल मैं सिरसा और फतेहाबाद 2 जिलों में गया था। हवाई सर्वे के नाते से मैंने देखा फतेहाबाद ज़िले में पानी काफ़ी गांव में अभी भी फैला हुआ है, सिरसा ज़िला में काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन राजस्थान की ओर पानी जो जाने की गति है वो भी और सुधार की आवश्यकता है, ताकि पीछे का पानी निकल कर के आगे बढ़े। संयोग से कल दोबारा से वर्षा हिमाचल में पहाड़ों में हुई है, जिसके कारण से यमुना का जलस्तर भी बढ़ा, गग्गर का बढ़ा है, लेकिन उन इलाकों में असर इसका कुछ समय के बाद जाएगा। हो सकता है असर कम पड़े, क्योंकि बाकी जगह पानी का जो फैलाव हुआ है वहाँ पानी अब निकल गया है, तो पानी के यानी एक प्रकार से वहाँ समाने की अभी फैलाव होने की जो गुंजाइश है, तो आगे पानी कम जाएगा। फिर भी हम जल्दी जल्दी पानी को अगर निकालें ताकि पानी का बहाव तेज़ बने, तो इस ओर हम लगे हैं। जहाँ तक कोई भी नुकसान है उसके मुआवजे के लिए हमने पोर्टल अपना खोल दिया है, क्षतिपूर्ति, उसमें किसानों के लिए भी, और उसमें आज से अन्य कोई नुकसान है उनके लिए भी, हर प्रकार का, और उसको वेरीफाई करेंगे। 7 दिन में वेरीफाई होगा और 7 दिन के बाद वेरीफिकेशन होगा। इसी प्रकार जैसे आज आपके सामने मुआवजा हम दे रहे हैं, ऐसे मुआवजे बाकी भी लोगों को जो प्रभावित हैं उनको दे दिया जाए। अभी 35 लोगों की कन्फर्म हमारे पास जानकारी है, जिनको आज जो है ये राशि बांटी गई है। पूरे हरियाणा में बांटी गई, पूरे हरियाणा में 8 जिलों में ये संख्या रही है। जैसे 6 संख्या यहाँ की है, 8 संख्या अम्बाला की है, अलग अलग जिलों की है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 3, तो सब जिलों को आज जो है उनको एक प्रकार का टोकन जो है, कहीं चेक के माध्यम से, कहीं पत्र के माध्यम से, पैसा सीधा RTGS से उनके खाते में जाएगा। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ मिलना चाहिए और इस पोर्टल में किसानों को ना फंसाया जाए। देखिए, जो चीज़ आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि कितना जल्दी आप दे देते हैं, वो कैसे संभव है, वो इस पोर्टल के द्वारा ही संभव है। और इस पोर्टल का अगर विरोध करते रहेंगे तो जनता उनको सबक सिखा देगी, क्योंकि इन पोर्टल्स का बहुत बड़ा लाभ जनता को दिख रहा है। 100 के लगभग पोर्टल हैं, एक नहीं है, जो हालांकि IT का काम आज से 25 साल पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ये लोग IT के समय में बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी सरकार के समय प्रायः शून्य रहे हैं। हमने आने के बाद उसके सारा उपयोग किया है और जो लाभ उनको हो सकते हैं वो दिलाए हैं। हाँ, सावधानी की बात एक और भी है, अभी 3 दिन पहले ही हमने एक कार्यक्रम किया है साइबर क्राइम, जो G20 के अंदर हमारे MHA के माध्यम से एक वहाँ कार्यक्रम किया गया था, वहाँ प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, और साइबर क्राइम के ऊपर भी चेक करने के लिए पिछले दिनों में पुराना में बड़ी एक ऑपरेशन किया। 5,000 लोग एक ही रात में 24 घंटे में 14 गांव के अंदर हमने छापे लगाए, और ऐसे लोग जो बालक हैं स्कूल में जाने वाले, बल्कि ड्रॉप आउट स्कूल गोइंग्स, ऐसे लोगों ने उस क्राइम करने को सीख लिया था। लगभग 100 करोड़ रुपए की, और जो उस ऑपरेशन के बाद रिकवरी तो नहीं कह सकता, लेकिन 100 करोड़ के केसेस वो उसमें निकले हैं, जिसकी रिकवरी
होने की संभावना है। जब आपने ही कह दिया वो मजाक कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, मैं इसका जवाब न दूं तो अच्छा है, इतना हल्कापन मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता। करनाल में भी जैसा मैं लगातार जब जब आता हूँ तो कुछ वार्डों में गाँव में जाकर के जन समाज के कार्यक्रम जो मेरे चल रहे हैं उसको मैं पूरा करता हूँ। आज 18 कार्यक्रम हो चुके हैं कुल गाँव के, और जो वार्डों के हैं 26 में से 8 कार्यक्रम बचे हैं, वो अगले 2-3 बार आके मतलब समस्या आई है किसानों की कि इंद्री बेल्ट के ऊपर किसानों के खेतों में रेता काफी जम गया सर, वो तो खेती करने में बड़ी दिक्कत आएगी, उनको बड़ी उम्मीद है कि हमारी जो आपकी सरकार है वो जल्दी समाधान करेगी। सर मैंने बताया कि बाढ़ का जो प्रकोप है उसका असेसमेंट सब चीज़ों का होना शेष है, अभी तो अपने आप लोग जो असेसमेंट कर रहे यानी पोर्टल पर भर रहे हैं, फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर जो कमेटियां बनी हैं वो उसका असेसमेंट करेंगे और जो उनकी ओर से हमें फाइनल रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से उनका सबका मुआवजा दिया जाएगा। आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष चला रहे हैं, बाकी 3 नेता कार्यक्रम चला रहे हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के तौर पर चला रहे हैं, हम जन सेवा के नाते जन संवाद के कार्यक्रम में जाकर लोगों से उनकी तकलीफें पूछते हैं, जो हमने किया है वो बताते हैं, जो करना और आवश्यक है वो उनसे पूछ करके तुरंत उस पर करते हैं काम। आज भी जैसे मैं अब 2 वार्डों में होकर के आया हूँ तो लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं, कल आज सुबह मेरी सभी पार्षदों के साथ भी बैठक थी, मीटिंग थी, आपने देखा ही है, उन्होंने भी जो अपनी डिमांड्स बताई हैं हमने अधिकारियों को बता दिया कि वो सारे हमारे यहाँ रेगुलर काम करने का जो सिस्टम है बना है उससे जनता खुश है, जनता के काम हो रहे हैं, हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं। नगर निगम की मीटिंग ली उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं सर? नगर निगम की मीटिंग में लोगों ने अपने यानी पार्षदों ने जो काम बताए हैं वार्डों के वो भी हमने नोट किए हैं, आगे बताए गए हैं, और खास करके जो प्रॉपर्टी आईडी और जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज इसका विषय है वो अधिकारियों ने ठीक से सबको बताया है और उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये सारे काम पूरे होंगे। सर समाज के अंदर वेटिंग लिस्ट उसको लेकर काम चल रहा है सर, कैथल के अंदर गुजर और राजपूत समाज के अंदर विरोध चल रहा है और जगह जगह पे बीजेपी के खिलाफ सामाजिक स्वार्थ बना के रखना चाहिए, इस प्रकार के विषयों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ तथ्य होते हैं जो इतिहास में जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर सोच समझ करके निर्णय लेने चाहिए। ये जो महापुरुषों के नाम को लेकर के और खींचतान बनती है कि वो महापुरुष हमारा है, वो महापुरष हमारा है, वास्तव में महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है, महापुरुषों को तो जितने ज़्यादा लोग उनके प्रति श्रद्धा अपनी दिखाएँ उतना अच्छा होता है। तो मेरी तो अपील यही है कि आप उसमें स्वार्थपूर्वक वातावरण बना करके और इन चीजों के ऊपर कोई ना कोई समाधान वो निकाले। हिंदू सम्राट लिखने की बात की गई थी, लेकिन अब वो अलग अलग तरीके से सबकी अपनी राय है, कोई कहता है कि इनको हिंदू सम्राट लिखें, किसी ने कहा कि इसमें क्षत्रिय राजा लिखें, किसी ने राजपूत, किसी ने गुजर सम्राट की बात कही है। मेरा कहना है कि इन नामों के कारण से कोई भेद नहीं खड़ा करना चाहिए, अगर कोई विशेष काम किया है इतिहास में किसी व्यक्ति ने उसको उसके गुणों को याद करना चाहिए, ये जातियों के हिसाब से नहीं करना चाहिए। बहुत निंदनीय मैं कहता हूँ ये घटना है कि जिस प्रकार का ये सारा बंगाल में महिलाओं को जिस प्रकार से यानी उनको निर्वस्त्र कर करके घुमाया गया है, ये घटना जिसको कहना चाहिए निंदा, जितनी निंदा की जाए उतनी अच्छी उतनी ज्यादा। जनसंवाद कार्यक्रम आप चला रहे हैं, लेकिन 6 जन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, किसकी डेथ हुई? पवन की सर। पवन 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 क्या लगते हैं तुम्हारे? लड़का था जी मेरे। हैं? लड़का था जी। अच्छा तुम्हारा बेटा था पवन। हाँ कितनी उम्र थी उसकी? 19 साल। कैसे डूब गया वो? ऊपर से आसमान में लाइट नहीं, बिजली गिरी। तो ऐसा है, ये 4 लाख रुपया सरकार ने सेंक्शन करके तुम्हें दिया है उसके जो मुआवजे के रूप में, है ना? तो ये तुम्हारे बैंक में आज पहुंच गया होगा, नहीं तो कल सवेरे पहुंच जाएगा, ठीक है? बाकी दुख तो बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना? चल ठीक है। इसी प्रकार सेकंड डिजीज है सर, पति पत्नी का तो इनके पिता है पाला, एक के पिता हो गए, एक के ससुर हो गए। आपका नाम पाला है, आपका बेटा आपकी पुत्र दोनों चले गए हैं, बड़ा दुख हुआ है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। जो सरकार की ओर से आपको जो है 8 लाख रुपया ले लो, थोड़ा सा चलो।
ठीक है। फिर करतारी देवी हैं जिनका देहांत हुआ, ये गांव डबकौली कला की हैं, 85 वर्ष उनकी उम्र थी, तो उनका बेटा श्रीचंद। तो भाई अब माँ गई लेकिन बाढ़ के कारण से गई है, इसलिए तुम्हें जो राशि है 4 लाख रुपए आ जाओ इधर देखो। चलो माँ के जाने का अफसोस तो है, कोई बात नहीं। चलो सावन, ये भी छोटा लड़का है, 13 साल की उम्र है, आपका बेटा है, फिर एक सुंदर है वो भी 70 साल के हैं, उनका भी बेटा आया है, क्या नाम, बलिंदर। तुम्हारे पिताजी सुंदर थे, कैसे कैसे डेथ हुई, छत गिर गई, नीचे बैठे थे, ये लो 4 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा आज। चल चल, एक ये महिला आज मिली थी हमको सुबह, तो इसका जो राशन कार्ड कटा था लेकिन इनकम में जो वेरीफाई किया है तो 81 से नीचे ही मिली है, इसलिए इनका राशन कार्ड बना के कितने परिवार के सदस्य, कितने 4 है तुम्हारे, 5 है कार्ड में लेकिन 4 लिखा है, इसको ठीक करा लेना, इसको ठीक करा लेना, 4 से 5 करा लेना अभी, नहीं वो तो तुम्हें ठीक कराना पड़ेगा एडीसी ऑफिस में। तुम्हारा जो राशन कार्ड बना है उसमें अभी मेंबर परिवार पहचान पत्र में 4 लिखे हुए हैं, इसको 5 करा लेना, ठीक है।